हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डायहार्ड बाइकर में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आया हूँ कावासाकी कोल्हापुर के शोरूम में, और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ है ZX10R और मेरे साथ है शोरूम के सेल्स एग्जीक्यूटिव रोहन जी। रोहन जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दर्शकों को बताएं कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में कुछ। तो गाइस, ये ZX10R है, तो इसमें कैसा है कि ड्यूअल चैनल एबीएस आता है, उसके बाद में ट्यूबलेस टायर्स है, उसके बाद में कॉमन एबीएस है, इनलाइन फोर सिलेंडर आता है, उसके बाद में इसमें डैम्पर दिया हुआ है स्टेबिलिटी के लिए। कैसा है कि आप जब कोई ट्रैक पे चला रहे या अब मतलब देखिए स्पीड आपका हाई होगा तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका स्टेयरिंग स्टेबल रहना चाहिए, तो इसमें चिंतक दिया हुआ है फीचर्स में। तो इस चिंतक का क्या वर्किंग रहता है कि आपका जो बाइक है वो फर्स्ट गियर से लास्ट गियर, मतलब फर्स्ट सिक्स गियर में, तो उसके लिए क्विक शिफ्ट करने के लिए क्विक शिफ्ट कर दिया, मतलब फर्स्ट से लेकर सिक्स तक क्विक जा सकते हैं। आप ट्रैक पे रहते हैं तो आपको टाइम ले रहता है उसके लिए। और सर, इसमें जो राइडिंग मोड्स दिए हुए वो कौन से? पावर मोड में दो मोड दिए हुए हैं, उसमें एक फुल मोड रहता है, एक लो मोड रहता है, तो वो आपको आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है, डिपेंड कौन सा यूज कर रहे हैं तो वो आपको सेट करना पड़ेगा। राइट राइट। उसके बाद में इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल में 3-4 मोड दिए हुए हैं, तो वो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप वहाँ पर सेट कर सकते हैं कि आपको कौन सा मोड सेट करना है। तो फ्रेंड्स, अभी जो बाइक है वो है फुल पावर मोड में, तो मैं फर्स्ट टाइम ही ये बाइक चला रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो मोड है वो कम कर दूँगा और लो पावर में ये जो बाइक है वो मैं चलाने वाला। तो फ्रेंड्स, मैं अभी करता हूँ बाइक को स्टार्ट। ये हो गई हमारी बाइक स्टार्ट और यह है इसका एग्जॉस्ट नोट। इसकी जो राइडिंग पोजीशन है काफ़ी एग्रेसिव है और बारिश होने के कारण हम इधर भगा नहीं सकते, तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम स्पीड में बाइक चलाऊँ। और मेरे साथ अभी टेस्ट राइड लेने के लिए आए हैं मिलिंद सर, और मिलिंद सर जो है वो मेरे आगे चल रहे हैं, और आप देख सकते हैं रोड की कंडीशन भी इधर अच्छी नहीं है, तो इधर भगा नहीं सकते हम। अभी मेरी जो बाइक है वो है फर्स्ट गियर में ही। अभी जो मैं सेरेज किनारे चला रहा हूँ, उसके हम स्पेसिफिकेशंस के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो है इनलाइन फोर इंजन 998 सीसी का, और मेरे हिसाब से ये पावर जो प्रोड्यूस करता है 207 bhp का। और इसके अगर वेट के बारे में बात करें तो काफ़ी मतलब लाइट वेट लगी है मेरे को अभी बाइक, हालांकि इसका जो वजन है वो है 204 kg का, मतलब अगर हम लीडर क्लास से कंपेयर करें बाकी के इसके जो कंपेयर करें तो इससे काफ़ी ये जो बाइक है वो काफ़ी कम वेट की है। हालांकि जब मैंने बाइक के स्टैंड के ऊपर से मैंने खड़ी की थी, मेरे को लगा कि बाइक का जो वजन है वो काफ़ी हैवी है, लेकिन चलाते वक्त आपको बाइक हैवी मतलब बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाली है। और जैसे कि रोहन जी ने मुझे बताया था कि इसके फीचर्स के बारे में, तो इसमें लगा हुआ है कावासाकी का क्विक शिफ्टर जो कि कंपनी से ही फिटेड आता है। अगर हम बाकी जो बाइक्स से उसके बारे में बात करें तो उन बाइक्स में आपको अलग से लगवाना पड़ता है अपर मार्केट मतलब। और फिर
इसमें क्या दिया हुआ है कि कावासाकी का इंजन ब्रेक कंट्रोल दिया हुआ है, मतलब आप जो नॉर्मल ब्रेक अप्लाई करते हैं वो तो अप्लाई हो रही है, अगर आप इंजन ब्रेक कंट्रोल अगर आप ऑन करते हैं, इधर जो आप मोड्स का बटन देख रहे हैं उधर इंजन ब्रेक कंट्रोल का स्विच दिया हुआ है, अगर आप उसे सिलेक्ट करते हैं तो आपका इंजन जो है वो ब्रेकिंग में आपकी हेल्प करने वाला है। तो काफ़ी ये जो फीचर है मेरे को अच्छा लगा, लीटर क्लास में ये फीचर दिया हुआ है। कि जो ऑन रोड प्राइस है वो लगभग पड़ती है आपको 17,50,000 के आसपास। तो फ्रेंड्स ये जो प्राइस है वो काफ़ी मतलब कम है अगर हम कंपेयर करें इसके जो कंपेरेटर से, मतलब BMW S1000 RR हो गई, तो इन कंपेरेटर से इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, मतलब अफोर्डेबल होती है इन बाइक से। पहले वो गलत ही दिया था और बाइक का रिस्पांस आप देख सकते हैं कि काफ़ी एग्रेसिव है। अगर आज बारिश नहीं होती तो मेरा जो मन है वो काफ़ी बाइक को भगाने का कर रहा है, लेकिन बारिश की वजह से वो हो नहीं पाएगा शायद से आज। तो फ्रेंड्स फिर कभी आएंगे इधर, और अगर रेनी सीज़न ख़त्म होने के बाद शायद से मैं इधर आने की ट्राई करूँगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी तो मैं रत्नागिरी से इधर कोल्हापुर आया हूँ टेस्ट राइड के लिए और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, तो थोड़ी सी मेहनत लगती है इस सारे काम में और एडिटिंग वगैरह भी होता है। तो इसे लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ और आगे भी ऐसे ही स्पोर्ट्स बाइक के या लिटर क्लास सुपर बाइक्स के मैं वीडियो जो है बनाने वाला हूँ। तो अगर आप वो वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए मेरे चैनल के ऊपर और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दीजिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं जो अभी बाइक चला रहा हूँ वो चला रहा हूँ सिटी में, और रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे गड्ढे इधर है। तो सस्पेंशन मेरे को इस बाइक के ऊपर काफ़ी अच्छा लगा, इसमें आगे की तरफ दिया हुआ है 43mm का शोवा का इन्वर्टेड फोक और पीछे की तरफ इसको गैस चार्ज मोनोशॉक दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये बाइक चलाने में काफ़ी मेरे को मज़ा आया है और अब समय है बाइक को लौटाने का। स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा कावासाकी के कोल्हापुर शोरूम को, रोहन जी जो कि इधर सेल्स एग्जीक्यूटिव है, मिलिंद जी और प्रियंका मैम जो बाइक के मुझे टेस्ट के लिए अवेलेबल करके दी। तो अगर हमारे व्यूवर्स में से कोई भी इंटरेस्टेड रहेगा इस बाइक की क्वेरी के लिए या फिर उससे कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे तो आपसे वो कैसे कॉन्टेक्ट कर सकता है? अभी कैसा है कि हमारा फिलहाल ऑनलाइन फेसबुक पे भी पेज है, इंस्टा पे भी पेज है। आप वो पेज का नाम बताइए प्लीज हमारे दर्शकों। कावासाकी कोल्हापुर आप अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको फेसबुक पे भी वो पेज मिल जाएगा या इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लग लीजिए आपका नंबर कॉन्टैक्ट नंबर या कोई तो रेफरेंस वहाँ से भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप हमको डायरेक्टली कॉल सकते हैं। आपका जो नंबर है हमारे दर्शकों को प्लीज बता दीजिए। यस 7721989444 ये नंबर पे अगर कॉल करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। दूसरी बात क्या है कि हमारा इजीली शोरूम अवेलेबल है जो कि कोल्हापुर में आप अगर उद्यम नगर इंडस्ट्रियल एरिया में देखते हैं तो भारत बेकरी के अपोजिट जो है वो हमारा कहा सकते हैं शोरूम। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा कि शोरूम का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपको आसानी होगी शोरूम तक पहुँचने के लिए। और सर हमारे अगर व्यूअर्स में से कोई भी जो बाइक है वो कैश पे लेना चाहता है या फिर फाइनेंस के ऊपर तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को प्लीज़ इन्फॉर्मेशन दीजिए। फाइनेंस के लिए हमारे पास अभी फिलहाल HDFC बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन है, उसके बाद में एक्सिस बैंक का भी ऑप्शन अवेलेबल है तो वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। मतलब हम कितने परसेंट तक जो लोन है हमारा वो सैंक्शन हो सकता है डिपेंड ऑन कस्टमर प्रोफाइल पे रहता है, लेकिन कैसा है कि अप्रॉक्सीमेटली बताना है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 75% आपका लोन हो जाएगा ऑन रोड के प्राइस पे, बाकी का जो है आपको एज अ डाउन पेमेंट पे करना। ओके इसके लिए अप्रॉक्सीमेट जो डाउन पेमेंट रहेगा वो कितना रहेगा? पकड़ के चलते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 2,50,000 रुपीज़ आपको डाउन पेमेंट पे करना। तो फ्रेंड्स आपको 2.5 लाख जो है वो डाउन पेमेंट करना पड़ेगा इस बाइक को परचेस करने के लिए। तो थैंक यू सो मच सर आपने इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो को काफ़ी पसंद आया होगा, तो फ्रेंड्स इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।